राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस डील में पीएम मोदी पर घपले तक का आरोप लगा दिया है। आइए अब जानते हैं कि कैसे हुआ ये पूरा सौदा और हकीकत आखिर क्या है। आपको बता दें कि वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड की जरूरत थी, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता घटाकर महज 34 स्क्वाड ही रह गई है। इसलिए वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। इसके बाद रक्षा मंत्री एके एंटोनी ने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी दी थी। यहां से ही बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद का आरएफई जारी किया गया। राफेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 3800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। साल 2012 में राफेल को L1 बिल्डर घोषित किया गया और इसके मैन्युफैक्चर दसाल्ट एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन आरएफई अनुपालन और लागत संबंधी कई मसलों की वजह से 2014 में बातचीत अधूरी ही रह गई। यूपीए सरकार के दौरान इस पर समझौता नहीं हो पाया क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध था। दसाल्ट एविएशन भारत में बनने वाली 108 विमानों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। दसाल्ट का कहना था कि भारत में विमानों के उत्पादन के लिए 3 करोड़ मानव घंटों की जरूरत होगी, लेकिन HAL ने इसके 3 गुना ज्यादा मानव घंटों की जरूरत बताई। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू किया। पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान साल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान खरीद को लेकर समझौता किया। इस समझौते में जल्द से जल्द 36 राफेल विमान फ्लाई अवे यानी उड़ान के लिए तैयार विमान हासिल करने की बात कही। एनडीए सरकार ने दावा किया कि सौदा उसने यूपीए से ज्यादा बेहतर कीमत पर किया है और करीब 126 करोड़ रुपए बचाए हैं, लेकिन मीडिया में आई तमाम खबरों में यह दावा किया गया है कि यह पूरा सौदा 7.8 अरब रुपए में यानी 58,000 करोड़ रुपए में हुआ है। आज फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी स्वयं अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं। राफेल का कुछ पहले कुछ पैसा बताया, बाद में कुछ बताया, एक मंच में कुछ बोलते हैं, एक मंच में कुछ, कन्फर्म खुद नहीं है। और ये एक देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार ने हमारी स्पष्ट कर दिया है, जिनके समय डील होता रहा है हर क्षेत्र में, अब उनको वही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदीप केसरवान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें।